समृद्धि महामार्ग पर एक्सीडेंट का प्रमाण बढ़ता ही जा रहा है। इस पर लगाम कसने के लिए सभी विभागों को संयुक्त रूप से कदम उठाने होंगे। इसलिए बुधवार को सीपी अमितेश कुमार ने अपने विभाग के आला अधिकारियों आरटीओ एसटी और ट्रैवल्स बस संचालकों के साथ संयुक्त बैठक की। महामार्ग पर जाने वाली हर बस और चालक के फिटनेस प्रमाण पत्र की जाँच करने का निर्णय लिया गया। ट्रैवल्स संचालकों ने भी प्रशासन के साथ सहयोग करने की गारंटी दी और अपनी परेशानी भी बताई। सीपी ने बताया कि महामार्ग पर जाने के लिए वाहन फिट है या नहीं, इसकी पूरी जांच की जाएगी। आरटीओ अधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि वाहन महामार्ग पर चलने के लिए फिट है या नहीं। इसके अलावा एंट्री पॉइंट पर पुलिस सभी चालकों की जांच करेगी। कई बार बस चालक नशे में होने की शिकायत मिलती है, इसलिए एंट्री पर ही ब्रीथ एनालाइजर के जरिए बस चालकों की जाँच की जाएगी। उन्होंने कहा कि बस में सवार यात्रियों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। सभी बसों में दो चालक होने चाहिए। किसी वजह से यदि एक चालक बीमार हो या ड्राइव करने में परेशानी हो तो दूसरा ड्राइवर तैयार रहना चाहिए। यात्रियों की शिकायत के लिए सभी बस मालिकों को अपने नाम और नंबर बड़े अक्षरों में दर्शनीय स्थान पर उपलब्ध कराने होंगे। यात्रियों की शिकायतों को सभी गंभीरता से ले। बस में अग्निशमन यंत्र भी उपलब्ध होने चाहिए। समय समय पर सभी को इसकी जांच भी करनी होगी। यह केवल खाना पूर्ति के लिए नहीं होना चाहिए। माननीय सीपी सरांच्या अध्यक्षतेखाली काल ट्रॅव्हल्स वाल्यांची मीटिंग झाली। प्रामुख्याने ते समृद्धीवर होणारे जे अपघात होते त्या विषय तसंच महिला सुरक्षा संबंधाने होते आणि त्यानंतर जे 200 मीटरचा आतमध्ये कुठले ट्रॅव्हल्स लागणार नाही ह्या विषयावरही चर्चा झालेली आहे। 200 मीटरच्या आतमध्ये आपण ट्रॅव्हल्स लागू देत नाही आणि त्यांना त्यांच्यावर आपण वारंवार कारवाई करतो। मोस्ट ऑफ दी ते लागत नाही आणि ज्यांच्या ज्या चौकात फक्त ऑफिसेस आहेत तिथून ऑफिसेसमध्ये मधून ते बसेस जातात बैद्यनाथ चौक किंवा डालडा कंपनीकडे। आणि आजसुद्धा आम्ही 3 ट्रॅव्हल्सवर नो पार्किंगची जे कारवाई झाली आहे ती कारवाई करण्यात आलेली आहे। जे अवैध ई रिक्षा किंवा ॲटोवाले जे वाहतुकीला अडथळा करतात किंवा अवैधपणे कुठेही उभे करतात यांच्या विरोधात आम्ही विशेष मोहीम राबवून जवळपास ह्या महिन्यात 140 ते 150 ॲटो रिक्षा ई रिक्षा स्कूल व्हॅन आणि बसवर कारवाई करून त्यांना डिटेन करून नंतर मग ते रिलीज करण्यात आलेलं आहे। जेणेकरून मुलांच्या जे प्रवास करताना त्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने कुठलेही हयगय होऊ द्यायची नाही हा महत्त्वाचा विषय होता त्यामागचा। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट।